उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी कहते हैं अपनी हिमालय की नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ अपने कल्चरल सिविलाइजेशन और अपने पवित्र धार्मिक स्थलों के लिए वर्ल्ड फेमस है। इंडिया के कुछ खूबसूरत हिल स्टेशन भी यहीं पर हैं, इसलिए घूमने के शौकीन लोग एंजॉय करने के लिए उत्तराखंड के किसी अच्छे और बेहतरीन डेस्टिनेशन की ट्रिप प्लान करते हैं। तो अगर आप भी उत्तराखंड ट्रिप का प्लान कर रहे हैं या उत्तराखंड के किसी खूबसूरत जगह की तलाश में हैं, तो इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड के टॉप 10 और मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बता रहे हैं, जहां फैमिली, फ्रेंड्स, सोलो, ग्रुप्स या हनीमून कपल्स सभी लोग इन जगहों को खूब इंजॉय करते हैं। वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड के इन सभी प्लेसेस को कैसे विजिट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन जगहों की क्या क्या खासियतें हैं और जाने का सबसे अच्छा समय क्या है इस ट्रिप के लिए। तो बने रहिए साथ वीडियो के अंत तक और सब्सक्राइब कीजिए ट्रेवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को व नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। इस लिस्ट में सबसे पहली डेस्टिनेशन है ओली। ओली में आपको बहुत खूबसूरत हिमालयन पीक्स के व्यूज देखने को मिलेंगे और इसका बेस्ट टाइम टू विजिट है दिसंबर टू फरवरी। विंटर्स में स्नोफॉल के बाद इस जगह का नज़ारा कुछ और ही होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। स्कीइंग और हाइकिंग के लिए ओली को स्कीइंग कैपिटल भी कहा जाता है। इसके अलावा ओली फेमस है अपने 4.5 किलोमीटर रोप वे के लिए। इस 4.5 किलोमीटर को कवर करने में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगता है और इन 25 मिनट्स में आपको ओली के सबसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप रोप वे से ओली पहुंच सकते हैं जो कि स्टार्ट होती है जोशीमठ से। रोप वे की आने जाने की टिकट का प्राइस है लगभग 1500 रुपये पर पर्सन। ओली में आप विजिट कर सकते हैं आर्टिफिशियल लेक, गुरसों बुग्याल ट्रैक, जोशीमठ, चनाब लेक और लोकल ओल्ड टेम्पल्स। ओली की दिल्ली से दूरी लगभग 500 किलोमीटर है जिसे आप 12 घंटों की ड्राइव के बाद पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मसूरी। मसूरी उत्तराखंड के उन टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है जहां हर सीजन में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहां पहुंचते हैं, क्योंकि यह जगह काफ़ी खूबसूरत है और दिल्ली से काफ़ी पास भी है। मसूरी में आप विजिट कर सकते हैं कैंपटी फॉग, जॉर्ज एवरेस्ट पीक, लाल टिब्बा, गन हिल पॉइंट, कंपनी गार्डन, मसूरी लेक, नाग टिब्बा और मॉल रोड आदि। मसूरी में एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है और यहां आप 2 से 3 दिन आराम से बिता सकते हैं। अगर आप यहां बस से गए हैं तो होटल लेकर एक स्कूटी या बाइक हायर करना एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि इससे आप मसूरी के लगभग सभी छोटे बड़े प्लेसेस को आसानी से घूम सकते हैं, जिसका रेंट आपको अराउंड 500 से 800 रुपए के बीच में पड़ेगा, क्योंकि मसूरी में काफ़ी ट्रैफिक जाम भी रहता है, तो स्कूटी या बाइक से आपकी यह प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी। मसूरी में आप साल में कभी भी आ सकते हैं। मोस्टली टूरिस्ट यहाँ विंटर्स में नवंबर टू फरवरी और समर्स में अप्रैल टू जून अधिक विजिट करते हैं। दिल्ली से मसूरी की दूरी लगभग 275 किलोमीटर है, जिसे आप अपने पर्सनल व्हीकल से 5 से 6 घंटे में आराम से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ वोल्वो बस या ट्रेन से भी आ सकते हैं। मसूरी का नज़दीकी रेलवे स्टेशन देहरादून है, वहाँ से आपको लोकल बस मसूरी के लिए मिल जाएगी। मसूरी और देहरादून तक के लिए दिल्ली से वोल्वो सेमी स्लीपर बसें भी चलती हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है नैनीताल। नैनीताल फेमस है अपने अमेजिंग लेक्स, नेचुरल माउंटेन्स ब्यूटी, बोटिंग और कैंपिंग के लिए। नैनीताल में आप विजिट कर सकते हैं ओल्ड टेम्पल्स, हेरिटेज बिल्डिंग्स, टिफिन टॉप, बर्ड सेंचुरी, स्नो व्यू पॉइंट, मॉल रोड, इको केव गार्डन और नैना पीक आदि। यहाँ आप नैनी लेक बोटिंग का मजा ले सकते हैं। नैनीताल में रोप वे भी है जिसकी लेंथ लगभग 2 किलोमीटर है और जिसमें पूरा करने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। इस 10 मिनट में आपको नैनीताल सिटी और नैनीताल के माउंटेन्स के ब्यूटीफुल व्यूज देखने को मिलते हैं। यहाँ रोप वे का प्राइस है 350 रुपये पर पर्सन। वैसे तो आप पूरे साल में कभी भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम टू विजिट है विंटर्स में नवंबर टू फरवरी और समर्स में अप्रैल टू जून। इन दोनों ही सीजन में यहाँ काफ़ी अधिक टूरिस्टों की भीड़ देखने को मिलती है और इस दौरान वेदर भी डिसेंट रहता है। दिल्ली से नैनीताल की दूरी लगभग 320 किलोमीटर है, जिसे आप अपने पर्सनल व्हीकल से 6 से 7 घंटे में आराम से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा यहां आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। नैनीताल का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन 35 किलोमीटर दूर काठगोदाम है। इस स्टेशन पर पहुंचने के बाद 35 किलोमीटर की इस दूरी को आप बस, शेयरिंग या प्राइवेट टैक्सी द्वारा 1 घंटे के पहाड़ों के सफर के दौरान पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हरिद्वार। हरिद्वार नॉर्थ इंडिया के मोस्ट रिलीजियस प्लेसेस में से एक है। हर साल लाखों लोग यहाँ हर की पौड़ी गंगा नदी में स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। सुबह और शाम यहाँ गंगा आरती होती है, तब यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिसे देखने यहाँ काफ़ी अधिक लोग पहुँचते हैं। हरिद्वार में आप काफ़ी सारे घाट, एंसेंट, ओल्ड टेम्पल्स और आश्रम विजिट कर सकते हैं। हरिद्वार पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं।
दिल्ली से इसकी दूरी 220 किलोमीटर है और लगभग 4 से 5 घंटों के सफर के बाद आप यहां पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हरिद्वार तक काफ़ी सारी ट्रेन भी अवेलेबल हैं जिनके द्वारा आसानी से हरिद्वार पहुंचा जा सकता है। इस लिस्ट में नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रानीखेत। यह टाउन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहां से भी आपको माउंटेन्स पीक्स के अमेजिंग व्यू देखने को मिलते हैं। रानीखेत में एक गोल्फ कोर्स है जहां राजा हिंदुस्तानी फिल्म की शूटिंग हुई थी। यह रानीखेत का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके अलावा यहां आप विजिट कर सकते हैं रानी लेक, सनसेट पॉइंट, एप्पल गार्डन और ओल्ड टेम्पल्स। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 380 किलोमीटर है और लगभग 7 से 8 घंटों के सफर के बाद आप यहां पहुंच सकते हैं और इसका बेस्ट टाइम टू विजिट है मई टू अक्टूबर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ऋषिकेश। ऋषिकेश को वर्ल्ड की योगा एंड मेडिटेशन कैपिटल भी कहा जाता है और साथ ही साथ ऋषिकेश फेमस है अपने एडवेंचर्स एक्टिविटीज के लिए। यहाँ आप रिवर राफ्टिंग के साथ साथ और भी कई एडवेंचर्स एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं और इनकी बुकिंग आप ऋषिकेश में कहीं से भी करा सकते हैं। वो रिवर राफ्टिंग के लिए आपको अपनी कार से उस राफ्टिंग स्टार्टिंग स्पॉट तक लेकर जाएंगे जो कि मैक्सिमम लेंथ है लगभग 16 किलोमीटर और वहां से आप राफ्टिंग करते हुए वापस आते हैं। इसके अलावा आप यहां बंजिंग जंपिंग भी कर सकते हैं। ऋषिकेश में आप विजिट कर सकते हैं ओल्ड टेम्पल्स, त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला, राम झूला और कई प्रकार के आश्रम्स। यहां का बेस्ट टाइम टू विजिट है सितंबर टू मार्च। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 240 किलोमीटर है और लगभग 7 से 8 घंटों के सफर के बाद आप यहां पहुंच सकते हैं और ऋषिकेश या हरिद्वार तक सीधी डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट फॉरेस्ट एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड की। आप यहां जीप सफारी भी कर सकते हैं। आपको यहां टाइगर, एलिफेंट सहित कई और भी एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं। दरअसल इसके 5 मेजर जोन्स हैं जिन्हें आपको अपनी इच्छानुसार पहले से ही बुक करना पड़ता है। जीप सफारी का प्राइस रहता है लगभग 5 से 6 हजार रुपए जिसमें एक टाइम में 6 पर्सन जा सकते हैं। यहाँ जीप सफारी 2 शिफ्ट में होती है, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में 6 बजे से 9:30 बजे तक और इवनिंग में 3 बजे से 6 बजे तक। जीप सफारी का प्राइस रहता है लगभग 5 से 6 हजार रुपए जिसमें एक टाइम में 6 लोग जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप एलिफेंट सवारी को भी इंजॉय कर सकते हैं। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 250 किलोमीटर है जिसे आप कवर कर सकते हैं 5 से 6 घंटे में। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कसौनी। कसौनी फेमस है अपने सीनिक व्यूज के लिए। इसे उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ से आप हिमालयन पीक्स के ब्यूटीफुल व्यूज को इंजॉय करते हुए नेचर को और भी करीब से फील कर सकते हैं। कसौनी में आप विजिट कर सकते हैं ओल्ड टेम्पल्स और वाटरफॉल्स। इसके अलावा आप यहाँ ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। साथ ही कसौनी स्टार गेजिंग के लिए भी फेमस है जहाँ से नाइट में आप यहाँ स्टार, क्लियर स्काई, मून और प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिल्ली से इसकी दूरी है लगभग 436 किलोमीटर जिसे आप कवर कर सकते हैं 10 से 11 घंटे में। इसका बेस्ट टाइम टू विजिट विंटर्स में नवंबर टू फरवरी और समर्स में अप्रैल टू जून है। इस दौरान यहाँ डिसेंट वेदर रहता है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन लैंसडाउन। लैंसडाउन उत्तराखंड की ऑफबीट प्लेसेस में से एक है। यहाँ आपको रॉ नेचर देखने को मिलता है जहाँ आप कैंपिंग और जंगल सफारी भी कर सकते हैं। लैंसडाउन में आप विजिट कर सकते हैं टेम्पल्स, बुल्ला लेक, म्यूजियम, टिप एंड टॉप, स्नो व्यू पॉइंट एंड नेचर वॉक। यहाँ बेस्ट टाइम टू विजिट है नवंबर टू फरवरी। दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 270 किलोमीटर है जिसे आप 5 से 6 घंटे की ड्राइव के बाद पूरा कर सकते हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चोपता। चोपता की दिल्ली से दूरी लगभग 390 किलोमीटर है और लगभग 8 से 10 घंटे की ड्राइव के बाद आप यहां पहुंच सकते हैं। वैसे तो चोपता में काफी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन ये मोस्ट फेमस है तुंगनाथ टेम्पल के लिए जो कि हाईएस्ट टेम्पल है। चोपता से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप तुंगनाथ टेम्पल तक पहुंच सकते हैं। ट्रैकिंग के दौरान यहां माउंटेन्स और नेचर के अमेजिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। यहां का बेस्ट टाइम टू विजिट है मार्च टू अक्टूबर। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस जहां आप घूमने जा सकते हैं। इन प्लेसेस को लेकर अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।